Hello, children. How are you all? I hope you all are doing really good. So, children in GK, today we are going to study about plant habitats. So, let's start the chapter. Plants adapt themselves to the area they grow in to survive. Look at the following plants and write where they grow. Macho, हर तरह के प्लांट का अपना एक हैबिटेट होता है वो अलग अलग एरिया में ही उगते हैं उन्हें आप पर्टिकुलर एरिया में अपने हिसाब से नहीं उगा सकते ठीक है।, है तो यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिए गए हैं अब वो आपसे पूछा गया है कि आप वो प्लांट्स जो है वो किस एरिया में ग्रो करते हैं वो उनका क्या हैबिटेट है ठीक है तो आपको नीचे क्लू बॉक्स भी दिया गया है इसकी हेल्प से आप यहाँ पर फिल कर सकते हो सबसे पहला है पाम एंड कोकोनेट ये कहाँ पे उगते हैं ये आप देखोगे ये बीचज़ में ही उगते हैं ये आप आपके नॉर्मल गार्डन में या नॉर्मल जगह पे आप देखोगे ये वहाँ पे नहीं उगते ये बीच में ही उगते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बीच लिखोगे सेकंड फंगी अलगा मॉस मशरूम अब ये कहाँ पे उगते हैं ये डैम सॉइल में ही उगते हैं मतलब जहाँ पर ज़मीन जो होती है बहुत सारा गीली होती है ये वहीं पर ही उगते हैं ड्राई सॉयल में ये नहीं उगते या फिर ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर डैम सॉयल लिखोगे थर्ड एवरग्रीन ट्रीज़ अब एवरग्रीन ट्रीज़ जो हर जगह पे उगते हैं ठीक है हर तरह के जो ट्रीज़ होते हैं इनको किसी भी आप एटमोसफेयर में रखो ये उसमें अडेप्ट कर लेते हैं उसमें सर्वाइव कर लेते हैं तो ये इनके लिए जो सॉइल होती है ये कैसी सॉइल इनको चाहिए होती है इनको वार्म सॉइल चाहिए होती है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वार्म लिखोगे फोर्थ है कैक्टस ठीक है अब आपने देखा होगा कैक्टस नॉर्मली नहीं उगता ये जहाँ पे डेजर्ट होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा होता है रेतीला मैदान होता है ये सिर्फ वहीं उगते हैं तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे डेजर्ट्स लिखोगे ठीक है फिफ्थ नीम बैनियन मैंगो अब ये जो तीन ट्री है ये कहाँ पे उगते हैं ये ड्राई ग्राउंड्स में ही उगते हैं इन्हें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती मतलब ये बहुत कम पानी में भी काम चला लेते हैं अपना फूड बना लेते हैं तो आप यहाँ पर ड्राई ग्राउंड्स लिखोगे नाउ सिक्स कॉनीफर्स कॉनीफर्स जो होते हैं वो हिली एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहीं पर ही उगते हैं ये जहाँ पे गर्म होता है उस एरिया में ये सर्वाइव नहीं कर पाते तो आप यहाँ पे कोल्ड प्लेसेस लिखोगे क्लू बॉक्स की हेल्प से सेवन्थ लोटस वाटर लिली अब आपने देखा होगा लोटस कहाँ उगता है पानी में उगता है वॉटर लिली भी कहाँ उगती है पानी में उगती है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वाटर प्लेस लिख सकते हो या आप क्लू बॉक्स से देखोगे तो आप यहां पे क्या लें पॉन्ड्स में ये ज्यादातर उगते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे पॉन्ड्स लिखोगे एट्थ है पाइन ठीक तो है पाइन ट्रीज होते हैं ये आपको हिली एरिया में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ठंडे इलाकों में सर्वाइव करते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे हिली एरियाज़ लिखोगे नॉलेज कॉर्नर पी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट्स ऑन अर्थ बच्चों क्या आपको पता है पी मटर जो होता है ये सबसे पुराना प्लांट है हमारी प्लान अर्थ का तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा अब इसका रिविजन आप खुद से करेंगे